गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस, अवर चैप्टर फर्स्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट क्लास, वी डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक हाउ एनिमल्स ईट। इन दैट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द हर्बीवोरस एनिमल्स। टुडे वी स्टार्ट अगेन दैट टॉपिक हाउ एनिमल्स ईट, बट इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द कार्निवोरस एनिमल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्निवोरस एनिमल्स। थोड़ा रिकैप करते हैं, हर्बीवोरस के अंदर कर रहा था उनके टीम के अरेंजमेंट, पहले डिस्कस कर रहा था एनिमल्स ईट करते हैं, ईटिंग हैबिट्स के कारण इनके माउथ पार्ट भी अलग तरह से डेवलप होते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे उनके फ्रंट के टीथ शार्प थे कट बाइट करने के लिए और पीछे के फ्लैट बॉडी स्ट्रांग थे च्यूइंग करने के लिए, लेकिन कार्निवोरस के अंदर थोड़ा चेंजेस है। कार्निवोरस जैसे लायन टाइगर जो भी हंटिंग करते हैं एनिमल्स, वो हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। जैसे आप पिक्चर देखो, ये देखिए आप पिक्चर, ये एनिमल की देखिए सामने वाले टीथ कैसे हैं, पॉइंटेड है बिल्कुल, किले शार्प भी बहुत तीखे कट करने के लिए। तो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ इन फ्रंट टू टीयर, टीयर का मीन्स होता है फाड़ना, किसी चीज को टीयर करते हैं ना उसको कहते हैं फाड़ना। ये टीयर का मतलब आंसू भी होते हैं, धीरे टीयर फाड़ने के लिए जो है जो चीज कपड़ा वपड़ा होती है वो चीज टीयर होती है, ठीक है। वैसे ही तो फ्लैश होता है इनका, वो भी टीयर होता है, ये अपने दांतों से उसको टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, तो एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस। दैट्स व्हाई दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ इन देयर फ्रंट माउथ पार्ट, टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। प्रे का मतलब अपन डिस्कस कर रहा था, जो हंटेड होता है प्रेडेटर से वो प्रे था, डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में, व्हाट इज प्रे। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड, वो टीथ होते हैं उनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ग्राइंड करने के काम आता है, और दूसरा ग्राइंडर होता है कैसे मतलब वैसे ग्राइंड करता है इसके पीछे वाली चीज। एट द बैक ऑफ देयर माउथ टू च्यू फ्लैश, ये भी फ्लैश को चबाने के लिए होते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए। तो कार्निवोरस एनिमल्स के टीथ फ्रंट में कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड टू टीयर द फ्लैश। आप सब पूछ सकते हैं, बड़ा लॉन्ग आंसर आ सकता है, जैसे हर्बीवोरस का क्वेश्चन है के हाउ हर्बीवोरस कैन ईट द फूड, या कैसे ईट करते हैं, क्या अरेंजमेंट होती है, तो उसके टीथ का पता नहीं, वैसे ही कार्निवोरस का क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्निवोरस एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ इन फ्रंट फॉर टीयरिंग द फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ फॉर च्यूइंग फ्लैश। ये पूरा आंसर से बड़ा लॉन्ग आंसर बनता है 2-3 लाइंस का, इतना इजीली लर्न कर सकते हो। जो सिंपल सिंपल वर्ड है, जो सॉरी टिपिकल वर्ड है उनको आप लर्न करोगे तो हो जाएगा। ग्रामेटिकली चलता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन आंसर इस अरेंजमेंट्स में लिखना है। आप छोटे छोटे लाइन्स में भी लिख सकते हो, और एक सिंगल सिंगल लाइन में दैट कार्निवोरस हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, दिस इज यूज फॉर टीयरिंग द फ्लैश, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड फ्लैट टीथ एट द बैक साइड फॉर च्यूइंग द फ्लैश, इसके लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके अंदर बुक के अंदर आपके बुक भी आप लेके आइए, नहीं लेके आए तो बुक लानी पड़ेगी आपको, अंडरलाइन कर सकते हो जो मैं चीज बोलूं उसके लिए। अभी स्नेक एंड फ्रॉग का एग्जांपल लेता हूं, स्नेक एंड फ्रॉग डू नॉट हैव टीथ। जो आपके स्नेक हैं और फ्रॉग, इनके टीथ नहीं होते, डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत होते ही नहीं, शार्प के भी दांत नहीं होते, मेंढक के भी नहीं होते। स्नेक्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ, तो खाने को चबाएंगे कैसे, इनके माउथ पार्ट कैसे होंगे? अभी हर्बीवोरस कार्निवोरस का डिस्कस कर रहा था, उनके माउथ पार्ट में टीथ होते जो उनके ग्राइंडिंग करने के लिए, च्यूइंग करने के लिए काम आते, तो उनके टीथ नहीं होते, तो क्या करते हैं, फूड को स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं उसको। कभी कभी आप भी कुछ चॉकलेट खा रहे हो, कैंडीज खा रहे हो, गलती से बोलते हो तो एकदम स्वेल हो जाती है, तो अपने तो प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है कभी, क्योंकि अपने जो फूड पाइप है ईसोफेगस कहते हैं बहुत थिन होती है, इसलिए अपन को चबाना जरूरी है, वी हैव टू च्यूइंग द फूड मटेरियल्स, बट इनमें नहीं होता तो डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं होल फूड। कुछ और ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फ्रॉग की बात करूँ, फ्रॉग में और भी कुछ होता है, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, लिजार्ड घर पर जो छुपटी होती है उसको लिजार्ड कहते हैं, लिजार्ड्स एंड कैमेलियन। कैमेलियन देखा होगा आपने, कैमेलियन देखा है, ग्रेट रंग बदलता है, इनके अंदर क्या होता है, स्टिकी टंग होती है, कैसे होती है, स्टिकी
टंग, टंग का मतलब आपकी जीभ, चिपकने वाली टंग होती है ताकि अपने जो इंसेक्ट्स को उनको पकड़ सके। जैसे देखिए पिक्चर, इसमें आपने देखा होगा, ये देखिए कैसे पकड़ रहा है फ्रॉग स्टिकी टंग से, ठीक है। तो स्नेक फ्रॉग डू नॉट हैव टी, फ्रॉग लिजर्ड एंड कैमेलियंस हैव स्टिकी टंग टू कैच देयर इंसेक्ट। एंड बटरफ्लाई में क्या होता है, बटरफ्लाई में लॉन्ग थिन ट्यूब होती है जो सक करने के काम आती है, क्या नेक्टर, रस बोलते हैं, जूस बोलो, जो भी फ्लावर से सक करने के लिए, किसमें, बटरफ्लाई के अंदर। मैं यहाँ पे ऊपर इरेज करके लिखता हूँ, ये आपके बटरफ्लाई है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या होती है, ट्यूब टू सक नेक्टर, क्या सक करने के लिए आता है, या तो नेक्टर ब्लैंक में आएगा या ट्यूब आएगा, ठीक है। किसका करती है, फ्लावर का, ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स। और मॉस्किटोज होते हैं उनके भी ट्यूब होती है, बट वो क्या सक करते हैं, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर बैठते हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, अगर वो मच्छर काटते हैं ना तो मच्छर उसके अंदर अपना खून पी रहे होते हैं, बाइट करते हैं उनको, मॉस्किटो बाइट्स। मलेरिया भी हो जाता है, है? मलेरिया एक स्पेशल टाइप का मॉस्किटो आता है, उससे होता है। तो जो मॉस्किटो वो भी लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, वो भी ट्यूब, अभी याद नहीं देता हूँ, बुक में आपके लिखा हुआ अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी मैंने पढ़े थे सब आपके बुक में मेंशन है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो असाइनमेंट मिल रहा है उसको आप टाइमली करिए और रिवाइज करिए। मॉस्किटोज ट्यूब टू सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, क्या करते हैं, ट्यूब टू सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स। अब ये ट्यूब तो सक करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, अब इसकी ट्यूब क्या सक करती है, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स या ब्लड ऑफ एनिमल्स। डॉग्स और कैट होते हैं उनके लिए क्या करती है, लैब करते हैं, डॉग एंड कैट क्या करते हैं, लैब, लैब। ये लैब विथ टंग चाटते हैं, ये देखो पिक्चर्स आपको दिखाऊं तो मैं, ये बटरफ्लाई की है, नेक्टर सक कर रही है, ये मॉस्किटो की है, ब्लड सक कर रहा है, ये देखिए कैट एंड डॉग ये लैब कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, दूध पी रहे हैं। The lab milk with their tongue. पूरा सेंटेंस में से लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा lab with tongue. किससे lab करते हैं, tongue से होता है, ठीक है। So in today's class we discuss about how animals eat. In that we are discussing carnivorous animal. Carnivorous animals have sharp and pointed teeth in front to tear the flesh and flat, broad and strong teeth at the back side of the mouth for grinding. Grinding teeth होते हैं for chewing the flesh. फिर डिस्कस किया स्नेक एंड फ्रॉग, स्नेक एंड फ्रॉग्स के बारे में, दे डू नॉट हैव टीथ सो देयरफॉर दे स्वेलो देयर होल फूड, पूरे फूड को निगल जाते हैं। एंड फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, कैमेलियन आल्सो हैव स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे या इंसेक्ट्स। और बात करिए बटरफ्लाईज हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, एंड मॉस्किटो आल्सो हैव अ लॉन्ग ट्यूब टू शक ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, एंड कैट्स एंड डॉग्स lab milk with their tongue. तो ये सब है, इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, कैट डॉग का आएगा तो लैब करते हैं, मॉस्किटो बटरफ्लाई है तो शक करते हैं, और कैमेलियन फ्रॉग लिजर्ड है, ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, स्टिकी टंग होती है। और अलग स्पेसिफाई करें तो फ्रॉग एंड स्नेक्स के अंदर टीथ नहीं होती, कैसे टीथ होते हैं अरेंजमेंट, वो जो कार्निवर्स का बताया उसका लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन चलता है, आपका असाइनमेंट में भी मिलेगा इसके लिए। सो थैंक यू, कुछ प्रॉब्लम्स हो, पैरी हो तो आप पूछ सकते हैं क्लासरूम ऐप के अंदर। थैंक यू।